हेलो फ्रेंड, कैसे हूँ? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो एक और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। अलग अलग ब्रांड के दो पॉपुलर स्मार्टफोन, एक तरफ सैमसंग गैलेक्सी F14 5G और दूसरी तरफ रियलमी का 10, इन दोनों स्मार्टफोन के अगर प्राइस की बात करी जाए तो सैमसंग गैलेक्सी F14 5G को 14,490 रुपये के प्राइस में 4GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरियंट को बाई कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ रियलमी के 10 को 13,999 रुपये के प्राइस में 4GB की रैम और 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाय कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन में 500 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी 15,000 रुपीज से कम के प्राइस में कोई नया स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो आज के इस कंपेरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि एक स्मार्टफोन के लिए उसका प्रोसेसर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सैमसंग गैलेक्सी F14 5G में सैमसंग का एक्जिनोस 1330 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ रियलमी के 10 में मीडियाटेक का हीलियो G99 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वही इन दोनों स्मार्टफोन के अगर अंतत स्कोर की बात करी जाए तो अंतत स्कोर के हिसाब से तो क्लियर विनर निकल के आता है सैमसंग गैलेक्सी F14 5G, क्योंकि गैलेक्सी के F14 5G का जो अंतत स्कोर निकल के आता है 4,14,000 के आसपास का निकल के आता है, जबकि दूसरी तरफ रियलमी के 10 का जो अंतत स्कोर निकल के आता है वो 3,80,000 के आसपास का निकल के आता है। अंतत स्मार्टफोन के अंतत स्कोर में डिफरेंस जरूर देखने को मिल जाता है, पर इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर में डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो सैमसंग गैलेक्सी F14 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 2,200 के आसपास का निकल के आता है। वही दूसरी तरफ रियलमी के 10 का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 2,300 के आसपास का निकल के आता है, जो कि परफॉर्मेंस और गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में ये दोनों स्मार्टफोन लगभग एक जैसे हैं। दोनों स्मार्टफोन के अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो रियलमी के 10 का प्राइस कम है, फिर भी ये स्मार्टफोन खासकर डिस्प्ले के मामले में सैमसंग गैलेक्सी F14 5G से काफी ज्यादा बेटर हो जाता है, क्योंकि रियलमी के 10 में 6.4 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि 14,000 रुपीज के प्राइस को अगर देखा जाए तो वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी की डिस्प्ले आप लोगों को रियलमी के 10 में देखने को मिल जाती है। और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 90Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ सैमसंग गैलेक्सी F14 5G का प्राइस 500 रुपीज ज्यादा है, फिर भी आप लोगों को 6.6 इंच की प्लस LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि इसके प्राइस को अगर देखा जाए तो आप लोगों को सैमसंग गैलेक्सी F14 5G ब्लो एवरेज क्वालिटी की ही डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 90Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी एक अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग रियलमी के 10 को ही बाय करें। दोनों स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो दोनों स्मार्टफोन का जो बैक का कैमरा है वो बिल्कुल एक जैसा ही देखने को मिल जाता है। सैमसंग गैलेक्सी F14 5G के बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसका अपर्चर F1.8 अपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैशलाइट के साथ। वही दूसरी तरफ रियलमी के 10 में भी बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसका अपर्चर F1.8 अपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैशलाइट के साथ। स्मार्टफोन का अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो मेगापिक्सल डिफरेंस जरूर देखने को मिल जाता है, फिर भी इन दोनों स्मार्टफोन का सेल्फी कैमरा लगभग एक जैसा ही देखने को मिल जाता है। इसकी एक सबसे बड़ी वजह है इन दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरे का अपर्चर। एक तरफ सैमसंग गैलेक्सी F14 5G में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसका अपर्चर F2.2 अपर्चर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ रियलमी के 10 में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसका अपर्चर F2.45 अपर्चर देखने को मिल जाता है। सैमसंग गैलेक्सी F13 5G में आप लोगों को कम मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, पर अपर्चर भी कम देखने को मिल जाता है। दूसरी तरफ रियलमी के 10 में ज्यादा मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है और अपर्चर भी काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है। इसी वजह से इन दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरे में इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। स्मार्टफोन का अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो बैटरी के मामले में दोनों स्मार्टफोन में एक एक एडवांटेज देखने को मिल जाता है। एक तरफ सैमसंग गैलेक्सी F14 5G में 6000mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है, पर आप लोगों को सिर्फ 25W का एक फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ रियलमी के 10 में 5000mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है, 33W के फास्ट चार्जिंग के साथ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि गैलेक्सी के F14 5G में आप लोगों को बैटरी ज्यादा देखने को मिल जाती है पर चार्जिंग स्पीड कम देखने को मिल जाती है। वही दूसरी तरफ रियलमी के 10 में बैटरी थोड़ी सी कम देखने को मिल जाती है और चार्जिंग स्पीड काफी ज्यादा देखने को मिल जाती है। स्मार्टफोन का अगर सिक्योरिटी फीचर की बात करी जाए तो रियलमी के 10 में भी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, वही दूसरी तरफ सैमसंग गैलेक्सी F14 5G में भी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर
आंसर देखने को मिल जाता है। तो बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। परफॉर्मेंस वाइज अगर देखा जाए तो इन दोनों स्मार्टफोन एक जैसा ही गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है, पर Realme के 10 के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है क्योंकि आप लोगों को 500 रुपीज कम खर्च करने के बावजूद भी काफी अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। कैमरा सेटअप लगभग दोनों स्मार्टफोन का एक जैसा देखने को मिल जाता है। Realme के 10 में चार्जिंग स्पीड काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है। आप लोग भी कम से कम प्राइस में एक नया ऑलराउंडर 4G स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो आप लोगों को Realme के 10 की तरफ जाना चाहिए, पर अगर आप लोग को एक 5G स्मार्टफोन चाहिए और डिस्प्ले से कंप्रोमाइज कर सकते हो तो आप लोगों को Samsung Galaxy F14 5G की तरफ जाना चाहिए। पर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग Realme के 10 को ही बाय करें।